सर मैं लेना एक ना देना तो बैंक से बात कर रहा हूँ, आप लोन के लिए इंटरेस्टेड है सर? बिल्कुल है, लेने के लिए तो हम हमेशा इंटरेस्टेड है, बताओ। तो सर हमारी कंपनी लोन ऑफर करती है सर 100% इंटरेस्ट पे। 100% इंटरेस्ट पे? बस बस सर, बस बस सर 100% इंटरेस्ट पे। फिर तो लेना पड़ेगा। तो सर आप अभी कितने अमाउंट का लोन देख रहे हैं? मैं 300 करोड़, ज्यादा नहीं, 300 करोड़। 300 करोड़? पैसा ही पैसा होगा। हाँ सर, ऐसा कौन सा व्हीकल लेना चाह रहे हैं आप? मैं ट्रेन, अपने यहाँ ऑफिस से ना 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहाँ तक की ट्रेन लगवानी है मेरे को। अच्छा हाँ सर, अभी करेंटली कौन सा व्हीकल चला रहे हैं? अभी मैं करेंटली बहुत ही एक्सपेंसिव 2-व्हीलर चला रहा हूँ, साइकिल एटलस की, दूधिया वाली, आपने देखी होगी ना, दूध आता है सुबह घर में आपके? आता है? नहीं आता सर। आप देखो मैं बुरा मत मानना मगर ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा, एकदम ऑनेस्टली बताओ। आप नल्ले हो, दूसरे लोग नल्ले नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत किया करो, दफा यहाँ से। बेइज्जती करनी ढंग से कर ले। तो दोस्तों देखा आपने कि मेरी मुंह पे बेइज्जती कर दी, लेकिन मेरे को असलियत में ट्रेन लेनी थी, लेकिन वो दोस्तों 300 करोड़ की तो नहीं है, लेकिन आपके लिए लेके आ गया हूं चूचू ट्रेन। आप इसका अगर प्राइस जानना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखो, बहुत ही सस्ती है, 300 करोड़ की नहीं है दोस्तों ये वाली ट्रेन। एंड दोस्तों आज हम जा रहे हैं इस वाली ट्रेन की अनबॉक्सिंग करने, तो बहुत ही मजेदार होने वाली है ये वाली वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसके बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बॉक्स में बन रहा है ये इंजन, जो पुराना लोकोमोटिव इंजन टाइप का है। एक इसमें बन रहा है ट्रेन का डब्बा, और यहाँ पे मिल रहा है पेट्रोल ले जाने के लिए, और यहाँ पे बन रहा है कोयला ले जाने के लिए। तो दोस्तों एक ट्रेन का इंजन मिलता है आपको, एक पैसेंजर का डब्बा मिलता है, एक पेट्रोल ले जाने के लिए डब्बा मिलता है, और एक आपको कोयला ले जाने के लिए डब्बा मिलता है। चूचू सुपर ट्रेन नाम है दोस्तों इसका। और पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हो कितना एंटीक इंजन बनाया हुआ है इन्होंने। ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं कि कैसे कैसे बॉक्स हैं, लोकोमोटिव मिल रहा है, ऑयल टैंक मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, पैसेंजर का डब्बा मिल रहा है, एंड कैसे उसको कनेक्ट करना है, कैसे पटरियां कनेक्ट करनी है, सिर्फ बेसिक चीजें आपको इसमें बताई हुई हैं। इसमें 2 सेल लग रहे हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों क्यों ना हम इसको खोल लें। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो लगी हुई होती है टेप, और इसके अंदर मिलता है थर्माकोल की पैकिंग। तो थर्माकोल की पैकिंग से इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मिलती है हमारे को ट्रेन की पटरियां। ये देखो 2 सेट मिलते हैं, इसको रखता हूँ साइड में। ये रहा हमारा डब्बा, जो कि इसके अंदर लीड निकल गई, और इसके अंदर ही हमारे सेल भी लगने होते हैं दोस्तों। इसके अंदर ना सबसे पहले दोस्तों हमारे को ये 2 पेज खोलने पड़ेंगे, जिससे कि ये डब्बा पूरा ऐसे निकलेगा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर सेल लगा सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। ये रहा हमारा इंजन, इंजन के अंदर जो ये वाली लीड निकली हुई है दोस्तों, ये इसके अंदर ऐसे लगा देंगे, तो इंजन के अंदर मोटर वगैरह है जो इसको खींचती है, तो ज़्यादा गियर्स वगैरह होंगे, तो इसकी वजह से इसके अंदर सेल का ऑप्शन नहीं दिया। तो ये रहा इंजन मिलता है दोस्तों, और इसके अंदर 2 मिलते हैं खाली डब्बे, और ये भी कुछ मिलता है दोस्तों। ये क्या है? ओह अच्छा, ये दोस्तों जब हम पटरियां जोड़ेंगे ना तब काम में आएंगे। और इसको भी ये देख सकते हो, ये टैंक का डब्बा है, ये दोनों प्लास्टिक के, लेकिन डिटेलिंग बहुत ही अच्छी करी हुई है दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ट्रेन गेम, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग करी हुई है, बहुत ही अच्छा कलर वाइज डिटेलिंग करी हुई है। तो ये सारा रख देता हूँ साइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोयले वाला जो डब्बा है ना उसको खोल लेंगे, क्योंकि कोयले के अंदर बहुत सारा माल होता है। तो इसके अंदर जो 2 स्क्रूज है ना उसको हम खोल लेते हैं। ये देखो ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। तो ये दोनों जब खुल जाएंगे इनको यहाँ पे निकाल लो, दोनों स्क्रू निकल गए। इसको आप ऐसे खोलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया सेल का कैबिनेट। अबे निकल जा भाई, ये अच्छी की जान लेगा येरा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर लगने हैं दोस्तों 4 सेल, 1, 2, 3, 4। तो 3 सेल तो हमारे पास ड्यूरासेल के हैं, तो वो मैं पहले सबसे पहले लगा देता हूँ। 2 सेल इधर लगाए दोस्तों, 1 सेल हमने इधर लगाया। अभी 1 सेल मैं और निकाल लेता हूँ अपने पास से, वो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं बंद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कस लिया है। अब इसके अंदर इंजन में लगा के देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि चलती रही है ना, जिससे कि फिर बाद में कुछ झमेला ना हो। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने ये वाली लीड लगा के चेक कर ली है कि ट्रेन चल रही है। आपको भी चला के दिखाता हूँ। ये देखो हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, दिख रहा है वो? दिख रहा है दोस्तों, देखो हल्का हल्का, देखो दिख रहा है ना, है ना मजेदार चीज। अब जल्दी से मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ, जल्दी से लगा लेता हूँ इसकी पटरियाँ, और फिर आपको लेट नहीं पटरी पे लेटूंगा नहीं दोस्तों, पटरी पे यानी कि ट्रेन चला के दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पटरी लगा ली है, मेरे को लेटना है इस पे, लेट जाऊं
तो दोस्तों आप देख सकते हो जो सेल वाला डब्बा है ना, इसको हमें कुछ इस तरीके से फंसाना है। अब ये दोनों डब्बे फंस चुके हैं और इसकी जो लीड है ये हमें इसके इंजन में लगा देनी है। अब क्या होगा, अभी छुक छुक गाड़ी चलेगी। अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमें इंजन को सेट कर लेना है, ये पटरी पे एकदम सही से बैठ जाए इधर, और दूसरी तरफ दोनों साइड के पहिए, फिर उसके बाद उसके पीछे डब्बे वाले को सेट करना है, हल्का सा मूवमेंट करके देखनी है, हाँ ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कोयले के पीछे पैसेंजर को लगाना तो पैसेंजर लगा दो, वरना अगर आप तेल का डब्बा लगाना चाहते हो तो तेल का डब्बा लगा दो, क्योंकि पैसेंजर कोयला अगर सूंघते हुए जाएंगे सो दे विल नॉट पे मनी। वाओ उपी, अभी आगे पैसेंजरों का डब्बा, इसमें हैं बच्चे जो जा रहे हैं नानी हाउस, गोइंग टू नानी हाउस, ओह माय गॉड, ये नानी कल सर खाएंगे अब जाके, वाओ। तो मैंने सारा सेटअप तो कर लिया, देखो दोस्तों इसके अंदर थोड़े से शॉकर भी हैं, देखो डब्बा ऐसे ऐसे डुक डुक देख रहे हो मजा आने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के दोस्तों क्या करते हैं, सपोर्ट तो इस वाली ट्रेन को मैं यहाँ से दे दूंगा, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ऑन और देखता हूँ कि क्या कमाल करती है ये ट्रेन। ओए होए, मौज कर दी, ओ तुसी कहाँ जा रहे हो, ओ तुसी मैनू भी ले जाओ। दोस्तों धुआं भी निकल रहा है, देखो अब ये पुल पे आ गई गाड़ी, वो ये तो हैवी है, हाथ पे भी हैवी लग रही है दोस्तों। ये देखो कितना धुआं निकल रहा है दोस्तों, देख रहे हो। आ गई। इतनी मस्त चल रही है दोस्तों। अब कर देता हूं इसे बंद। तो दोस्तों आपने देखा ना कितनी मस्त लग रही है ट्रेन चलती हुए, और ये हैवी भी है, जब यहाँ पे जा रही थी ना मैंने इसको पकड़ा हुआ था पटरी को, तो ये बहुत हैवीनेस महसूस हो रही थी। एंड दोस्तों ये धुआं भी निकालती है, आपने देखा कितना अच्छा इफेक्ट देती है। तो अगर आप इसको वैसे भी यूज़ करना चाहते हो ना, कि अगर आपको कोई मॉडल बनाना है और उसके अंदर से ट्रेन निकालनी है और असली का आप रियलिस्टिक वो चीज़ दिखाना चाहते हो, तो ये वाला मॉडल तो बाकी में बहुत ही मस्त रहेगा। एंड जो इसके साथ ये जो आते हैं ना दोस्तों, ये जो क्लिप्स आती हैं, ये आपका जहाँ पे हमने इसको पटरी को ज्वाइन कराया ना वहाँ पे फंस जाती हैं, जिससे वो खुले ना, बस ये उसके लिए ये वाली क्लिप्स हमारे को मिलती हैं। आपको ये वाली दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ये वाला प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारे को ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके बहुत ही उत्तम दामों में आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।